हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव शुक्ला दी। आज मैंने एक गर्भवती माँ को पौष्टिक आहार के लिए व्यवस्था किया और साथ ही उनका कोई इंजेक्शन नहीं लगा था और उनका कोई कार्ड नहीं था, वो सब बनाने के लिए मैंने स्वास्थ्यकर्मी से आह्वान किया। देखिए उनका घर कैसी है। इस गर्भवती माँ को मैं सहयोगिता के लिए हाथ बढ़ाया ताकि उसके बच्चा अच्छा पैदा हो। बच्चा अच्छा पैदा होगा तब तो देश बढ़ेगा। अच्छा, तुम आज कितना दिन हुआ इधर आया? 5 महीना। 5 महीने हो गए। आशा कर्मी दीदी ने क्या बोला? मैं गई थी उनके पास कि मेरा कार्ड बना दो बोल के, तो कह रहे नहीं तू हर बार आती है चली जाती है, बच्चा होता है तू चली जाती है। तो मैंने बोला वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे देवर और देवरानी की मौत हो गई थी, आग लग गई थी हमारे घर में। तो कह रहे नहीं तुम लोग नहीं मरे, तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ, बस वही मर गए दो। उन्होंने छोड़ दिया। फिर एक बहन भी गई थी मेरे साथ जो वहाँ पे बैठी हुई थी, वो भी सुन रही थी सारी। नहीं नहीं, तुम जो यहाँ पर आया आज 5 महीना, ठीक है, तो तुम्हें तो कार्ड चाहिए, इंजेक्शन लगा? तो बच्चा कैसे अच्छा तो पैदा नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्शन तो जरूरी है, हेल्थ का जो रूल है सामने ही तो है। ऐसा कोई नहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं आया। हमारे उधर तो खोजते हैं, आते हैं यहीं से जाते हैं। ये भी प्रेग्नेंट है, यहाँ पे एक लड़की प्रेग्नेंट है, यहाँ भी है, पर उनसे बात करेंगे, पूछेंगे उनसे जो भी है, बीपी यूपी चेक करेंगे और अपना निकल लेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं पूछते। आशा कर्मी कौन है यहाँ का? वो तो इतना मुझे नाम तो इतना पता नहीं, नाम से ही जानते हैं। चुमकी नंबर बुला दे क्या उनको? बुलाइए। हाँ बुलाइए, बुलाने से अच्छा रहेगा ना। हाँ बुला दीजिए। जो सच्चा है ये गर्भवती है ना, ये तो गर्भवती है। अभी इनको तो नेक्स्ट मंथ में इनका डिलीवरी होना है। इधर देख के बोलिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम को दिखाना है, थोड़ा उठो नहीं तो मैं बैठने के लिए तुम बताते ना। नमस्कार, मैं शुक्ला देवनाथ, मैं न्यू हशिमारा का रहने वाली हूँ। आज मेरे साथ खड़ी है, क्या नाम है? नीतू। क्या? नीतू कौशल। नीतू कौशल जो कि देवपड़ा चाय बगान है ना, ये देवपड़ा चाय बगान की रहने वाली। क्या समस्या है इनका? इनका 8वां महीना चल रहा है, अब अगला 2 मंथ का अंदर इनका भरा महीना हो जाएगा। तो 10 महीना 10 दिन तो एक बच्चे के लिए होते हैं। तो अभी ये गर्भवती है, इनका कोई कार्ड ही नहीं है, ना ही इनका इंजेक्शन लगा, कुछ इंजेक्शन लगा। अच्छा, यहाँ जो आशा दीदी वगैरह जो रहती हैं उन लोग क्या संपर्क आपसे किए हैं उन लोग? हाँ जी, करा था यहाँ पे आके कि मेरा कार्ड बना दो मुझे। आपने संपर्क किया था? हाँ जी, मैं खुद गई थी वहाँ पे, बहन भी गई थी मेरे साथ। क्या तो वहाँ पे गई मैंने बोला कि मेरी वैसे ऐसी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को टीबी की बीमार थी 2 साल से, तो मुझे पता नहीं चला कि बच्चा मेरा रुक गया है। मैंने एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा था, तो एक मेरी छोटी लड़की हुई थी यहीं पे एंजल नाम की, तो उस 2 महीने के कारण मैं चली गई थी। तो वहाँ पे मेरे देवर और देवरानी की मौत हो गई थी जलने के कारण, घर हमारा पूरा जल गया था। तो मैंने उनको ये बताया कि हमारा घर आग लग गई थी, अब ऐसे सिचुएशन में मैं थोड़ी यहाँ रह सकती हूँ। तो कह रहे नहीं तो तुम लोगों तो उनको ही हुआ बस, था तुम्हें तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके छोड़ दिया उन्होंने। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि कर दो अब तो जो भी हुआ। वो कह रहे आप यहाँ पर आए अपना ससुराल से, जब यहाँ आए तो यहाँ जो आशा दीदी से मिले तो आशा दीदी ने आपको बोला कि तुम क्यों आई वहीं पर रह जाती? वो वहाँ से कह रहे कि यहाँ पे कार्ड बना दो, वहाँ से अपने हस्बैंड को बोलो कि कार्ड बना के यहाँ पे लाए, तब हम सब कुछ करेंगे, नहीं तो हम करेंगे नहीं। तो आपको यहाँ पर आए तब पता चला कि आप प्रेग्नेंट है? हाँ जी। तो अभी ये आशा कर्मी आपका? मैंने उनको ये भी बताया कि नहीं मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा, लगभग 8 महीना हो गया, कोई इंजेक्शन वगैरह? तो काफी कमजोर भी है, कोई इंजेक्शन वगैरह अभी तक आपको पड़ा है? कोई भी नहीं, किसी तरह का कोई पौष्टिक आहार वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो मैडम ये इस तरह का तो घटना जो है कम देखा जाता है, आशा कर्मी लोगों को गाँव गाँव में नियुक्त किया गया है, फिर इस तरह के घटनाएं जो होती है यह काफी निंदनीय घटना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ज्यादातर जानती हूँ बच्चा अच्छा पैदा होगा तो ही देश बढ़ेगा। तो आशा कर्मी दीदी लोगों का तो उचित है गांव-गांव में जाके खोज लेना। अचानक उस दिन गांव विजिट करते मैं आई तो मेरा इस बहन से परिचय हुआ।
तो उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, उनकी वो अभी तक कोई इंजेक्शन लागू नहीं हुआ और प्रेग्नेंट है दी, मैं क्या करूँगी, आप थोड़ा मुझे देखिए, और अभी तो घर में होना ठीक नहीं होता, खून का ज़रूरत होने से क्या होगा। तो आशाकर्मी दीदियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक जो इंजेक्शन चाहिए वो इंजेक्शन लागू हो और इनका कार्ड बने। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी जो जल्दी से जल्दी उसका कार्ड बने और उनका बच्चा अच्छा पैदा हो और हॉस्पिटल में। ये कौन सा जगह है? ये आज मैडम इनको क्या क्या चीज से सहायता दी? आज मैं जबकि गर्भवती माँ है तो मैं इनके लिए पौष्टिक आहार लाई हूँ, तो मैं इनको आज देना जा रही हूँ, इनको मैं अंडा दे रही हूँ। गर्भवती माँ के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, पकड़ो, इनको मैं अंडा दे रही हूँ और अभी चना है साथ में और सोयाबीन है। अभी फिलहाल मैं उसको ये देखा है, नेक्स्ट मंथ मैं फिर आऊँगी, बीच बीच में मैं फिर आऊँगी, वो कैसी है मैं उनको खोज रखूँगी। जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक ये लड़की का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा दीदी मेरा साथ कोई नहीं है, अब मैं न घर का हूँ न घाट का, आप मुझे देखिए। तो आप लोग बताइए एक लड़की होके मैं कैसे इसे छोड़ूँ। मैडम आपका परिचय? मेरा नाम शुक्ला देवनाथ, मैं न्यू हाशिमारा का रहने वाली हूँ। क्या करती हैं आप? मैं जानती हूँ बस इंसान इंसान के लिए, तो मैं समाज की जो वंचित महिला है उन लोगों के साथ देखती हूँ। जैसे आज ये लड़की जिन्होंने मुझे बोला कि दीदी ना अब तक मेरा कोई इंजेक्शन लगा है, मैंने आशाकर्मी दीदी के पास गया, उन्होंने कहा हेल्प करने से मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि नहीं आज इसको अपना हेल्प मिले और इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये बच्चा देखिए, हम लोग तो सभी जानते हैं ना, जब बच्चा अच्छा पैदा होगा तब तो देश बढ़ेगा ना, तो अच्छा बच्चा पैदा होना कितना जरूरी है। और कैसे हम लोग इनसे कैसे मुलाकात हुआ आपका? अचानक मैं बगान विजिट करने आया, अक्सर मैं इंसानों का सुख दुख लेके हमेशा बात करती हूँ। देखिए हमारे आज आप हाँसी मरा रहती है और हाँ। इतना दूर आप देवपड़ा चाय बगान में आए और एक इस महिला को आपने खोज निकाला, ये काफी समाज सेवा में सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलता है आपको? देखिए मैं जब 10 महीना 10 दिन माँ का पेट में थी, मेरी माँ जो काम किया करता था इंसान के लिए खड़ा होता था, शायद वहाँ से कुछ सीखने मिला। माँ से प्रेरणा लेके आपका? हाँ, बच्चा तो माँ से ही सीखता है ना, अब ये जैसे एटीट्यूड करेगी इसकी बच्चा तो कोख से कुछ शायद वहाँ से ही होगा और इंसान से ही मिला। तो आप आगे क्या करेंगे अगर इनका कार्ड उड़, अगर हेल्थ कार्ड वगैरह? मैं चाहूंगी इसका बच्चा सुस्त हो, सुस्त बच्चा पैदा हो और मैं आशाकर्मी दीदी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जल्द से जल्द इनका कार्ड बनाए, नहीं तो मीडिया तो है ही तो। और आप कोई प्रशासनिक अधिकारी को भी कंप्लेंट करेंगे अगर इनका कार्ड नहीं बना तो? अगर इनका कार्ड नहीं बना तो करना पड़ेगा, अगर इनका कार्ड बन गया तो कोई बात का बात नहीं है ना, इनका कार्ड तो बनना चाहिए। अच्छा बोलिए कैसे करके आजकल घर में जो बच्चा पैदा होता है रिक्स कितना है, माँ का भी बच्चा का भी, और देखिए कैसे, ये तो यहाँ का बेटी है, बेटियों का कार्ड नहीं होगा मैंने तो कहीं नहीं सुना, इन्होंने कहा मुझे, मैं तो वो कहीं अभी आशाकर्मी दीदी आएगी मैं उनसे बात करूंगी और मैं आशा करती हूँ जल्द से जल्द कार्ड बन जाए इसका। यही मेरा गुजारिश है कि आप कर लेते हो नहीं, क्या लीजिए बोलिए।